हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम यहां पर देखेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो 2022 के टॉपर स्टूडेंट्स रहे हैं उनकी कॉपीज़ देख रहे हैं। और आज देखेंगे अपन हिंदी कंपलसरी की कॉपी। मैंने आपको पहले भी एक स्टूडेंट की कॉपी दिखाई थी, आज अपन ये जो देख रहे हैं कॉपी, ये दूसरे स्टूडेंट की है, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसको भी पूरे में से पूरे नंबर मिले, 80 में से 80 नंबर मिले हैं। आइए जल्दी से देखते हैं इसकी राइटिंग कैसी है, इसकी लेखन शैली कैसी है और इसने जो है प्रश्न को किस तरीके से अटेंड किया है, सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए खंड अ सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पिछली जो हमने कॉपी देखी थी उसमें बच्चे ने चौथे प्रश्न से शुरुआत करी थी और ये जो क्वेश्चन है इसमें पहला जो रहेगा इसका खंड जो अ किया इसने, वहां से इसने शुरुआत करी है। तो देखिए पहला प्रश्न किया है यहां पे और पहले प्रश्न में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है, ए है, नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4, इस तरीके से एक टेबल बना दी है और टेबल बना करके इसने अपने जो राइट ऑप्शन थे वो इसमें लिख दिए हैं। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और चाहो तो हमने जैसे पिछला जो वीडियो देखा उसमें क्या किया था कि बच्चे ने यहां पे क्रम संख्या 1 लगा दी और 1 का पहला किया है तो पहले में अगर अ राइट है तो यहां पे इसने अ राइट कर दिया और उसके बाद में अ का जो ऑप्शन है वो उसने आगे लिख दिया, यहां पे उसने विवरण लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा किया, दूसरे का इस तरीके से आगे लिख दिया। तो इस तरीके से करो तब भी ठीक है, दोनों तो आप किसे भी कर सकते हो और ये आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। ज़्यादा बेटर तो रहेगा कि आप क्या करें कि जैसे ये जो तरीका है ऑप्शन लिखा और उसके बाद में उसका जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पे लिख दीजिए, ताकि कई बार गलती से अगर जैसे यहाँ पे अ बस अदम में कुछ गलती से जैसे अ लिखना था और अगर आपने ब भी लिख दिया तो ऑप्शन पढ़ के भी आपका वहाँ पर राइट आंसर हो सकता है, गलत नहीं जाएगा। फिर उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न किया है और दूसरे में जैसे इसने लिखा है ना इस तरीके से रिक्त स्थान है यहाँ पे, तो पहला लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, चौथा लिखा, पांचवा लिखा, तो यहाँ पे जैसे लिखा बोली लिख दिया, लिपि लिख दिया, अभिता लिख दिया, तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी इसी टाइप से अगर करो तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी अपने आप किसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट आंसर है तो नंबर मिलेगा ही मिलेगा। मैं एक सुझाव दे रहा हूँ, आप अपने स्तर पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको इसमें भी राइट आंसर जो रिक्त स्थान वाले हैं उसमें केवल जो राइट आंसर आंसर है ना वो लिखा है, पूरा प्रश्न नहीं लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे खाली जो आंसर है वो लिखना, आपको उत्तर उत्तर खाली लिखना है अपना टाइम बचाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे पांचवा और छठा यहाँ तक तो इसने कर दिया। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, तीसरे में क्या होता है कि वन लाइनर अति लघुतरात्मक प्रश्न शुरू होते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अति लघुतरात्मक में पहला जो प्रश्न है उसमें एक होता है एक सूचना है और दूसरा परिपत्र है और उसके बाद में आप देख सकते हैं ये रहेगा इस यहाँ पे रहा उसका शब्दकोश को अंग्रेजी में डिक्शनरी कहते हैं, ये अति लघुतरात्मक जो प्रश्न है उसके आंसर लिखे हैं। चौथा है इंटरनेट पर खबरों का प्रकाशन और सूचनाओं का आदान प्रदान करना, इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। फिर है लक्ष्मी या लिच्मी उसका नाम था, भक्तिन का नाम जो था। पाँचवा प्रश्न है चटाई का लहंगा, मोह करे तमाशा, बुढ़िया ताई आदि, ये कहकर के यशोधर बाबू अपनी घरवाली को आधुनिकताओं सा करने का मजाक उड़ाते थे। छठा प्रश्न है सिल्वर वेडिंग और इसके बाद में आप देख सकते हैं ये सातवां प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में एक एक नंबर मिला है, एक एक नंबर का प्रश्न है, एक एक नंबर मिला है, ठीक है। राइटिंग देख लीजिए, आप थोड़ा सा इससे भी बेटर राइटिंग निकाल सकते हैं एक प्रश्न करने के बाद में, और जब दूसरा प्रश्न करता है तो एक लाइन बीच में खाली छोड़ देनी है। आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न के बीच में एक एक लाइन खाली है और यहाँ पर लिखा आंसर। इस तरीके से तीसरे में टोटल इसे मिले हैं 11 नंबर। उसके बाद में फिर खंड ब शुरू होता है, तो खंड ब में आप देख सकते हैं ये चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न को इस तरीके से पॉइंट वाइज इसने लिखा है इसका आंसर। उसके बाद में फिर ये पांचवा प्रश्न है, उसके बाद ये छठा प्रश्न है, अध्यापक और मुकेश के बाद में गृह कार्य की कॉपी को लेकर के जो वार्तालाप लिखना था, ठीक है, तो ये इसने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद में आप देख सकते हैं सातवां प्रश्न है, फिर आठवां प्रश्न है, नौवां प्रश्न है, सभी में दो दो नंबर मिले हैं। ये दसवां प्रश्न है, उसके बाद यहाँ पे ग्यारहवां प्रश्न है, ये बारहवां प्रश्न है और अब खंड स शुरू होता है। खंड स में आप देख सकते हैं ये तेरहवां प्रश्न है जिसमें 3 नंबर मिले हैं। उसके बाद में यहाँ पर रहा ये चौदहवां प्रश्न भगत जी वाला और इसमें भी 3 नंबर मिले हैं। पंद्रहवां प्रश्न है, इसमें भी मिले हैं इसे 3 नंबर। और ये सोलहवां प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन साहब का, देखिए इसका यहाँ पे परिचय लिखना पड़ेगा आपको, कवि परिचय जो है वो यहाँ पे लिखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि भाई इनका जन्म 1907 में हुआ था उत्तर प्रदेश में, इनकी प्रमुख रचना ये है, ये सब कुछ इसने यहाँ पे लिख दिया। फिर खंड द है जिसमें आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होगी, तो सबसे पहले यहाँ पे संदर्भ लिखा है, संदर्भ लिख दिया, उसके बाद में आप जो है ना इसने अंडरलाइन कर दी चीज़ों को, हाईलाइट कर दीजिए आप जिन चीज़ों को अंडरलाइन कर दीजिए दिखाना चाहते हैं। उसके बाद प्रसंग लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे संदर्भ का प्रसंग का सबका अलग अलग नंबर होता है। और अब देखिए एक पेज छूट गया तो बच्चे ने लिखा बीच में पेज भूल से छूट गया है। इसके बाद में प्रश्न से अगले पेज पर है और
अगर मान लो इस ये दो के बीच में ये पेज छोड़ दिया है, तो इस तरीके से अगर छूटता है ना तो आप लिख दीजिए, इतने सारे पेज तो भाई नहीं छूटने चाहिए बीच में, थोड़ा सा फिर क्या है अगर जैसे पेज छूटता है ना बीच में तो ये मिस्टेक मानी जाती है ना, कुछ थोड़ा सा डाउटफुल रहता है मामला, तो इस तरीके से ना करें, ध्यान रहे। फिर व्याख्या यहाँ पे करी है, और हो सकता है इसका कॉपी चिपक गई हो, मतलब दो पेज चिपक गए हो आपस में, चिपकने की वजह से रह गया हो ऐसा। और उसके बाद में तो ये देखिए इसको मिले हैं चार नंबर तो मिले हैं इसकी व्याख्या में, और दो नंबर मिले हैं इसके संदर्भ और प्रसंग में, तो टोटल इसके छः नंबर हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो उसका किया है, इसमें भी संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, और फिर यहाँ पर करी है व्याख्या। और 19वां प्रश्न है, इसमें इसने विज्ञप्ति लिखी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर हेडिंग लिख दी, पत्रांक लिख दिया, दिनांक लिख दी, और दिनांक ऐसे नीचे नहीं लिखनी है, इसने गलत लिखा है, तो यहाँ पे देखे जैसे पत्रांक लिखा है, पत्रांक या क्रमांक, पत्रांक मतलब पत्र क्रमांक तो एक ही बात है, लेकिन दिनांक है ना थोड़ा सा आप यहाँ पे लिखेंगे दिनांक, और ये जो दिनांक नीचे लिखी है गलत है, यहाँ पे सामने आनी चाहिए दिनांक, ठीक है। एक तरफ पत्रांक आता है, दूसरी तरफ दिनांक आती है, बीच में इसने लिख दिया विज्ञप्ति, और फिर इस तरीके से लिखना है विज्ञप्ति को, ठीक है। फिर है यहाँ लिखा है, इसने निबंध लिखा है, बढ़ती महंगाई का जीवन पर प्रभाव, तो प्रस्तावना लिख दी, उसके बाद में बढ़ती महंगाई के कारण लिख दिए, बढ़ती महंगाई के दुष्परिणाम लिख दिए, बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के उपाय लिख दिए, और फिर उपसंहार लिख दिया, और इस तरीके से इसके टोटल जो है वो 79.5 नंबर थे, 80 नंबर हो गए, और ये इसकी कॉपी हो गई भाई समाप्त। तो बताइए आपको कैसी लगी, ये वाली कॉपी बेटर लगी, या फिर आपने पिछली जो एक कॉपी देखी थी हिंदी अनिवार्य की, वो कॉपी बेटर लगी थी, दोनों में से कौन सी बेटर है, और कॉपी देख करके आप थोड़ा सा अपना देख लीजिए, सुधार कर लीजिए, कैसे लिखना है, किस तरीके से आप लिखते हैं, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है।